नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PCSNP Tech में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप PCSNP ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज करके डेबुक हेड क्रिएट करेंगे। जितने भी डेबुक हेड के मास्टर हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गए, इंटरनेट चार्जेस हो गए, एंड टी हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, और कोई कैश किसी को दे रहे हैं तो कैश का एक डेबुक हेड हो गया। उसके अलावा बैंक मास्टर किस तरह से क्रिएट करेंगे, जितने भी बैंक्स में आप ट्रांजेक्शन को रिसीव या उनसे पेमेंट करते हैं, उन सब बैंक मास्टर को आप किस तरह से PCSNP ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में क्रिएट करेंगे, चलिए आज की वीडियो में हम ये सब देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डेबुक हेड क्रिएट करने की। उसके लिए हम जाएंगे डेबुक हेड मास्टर में। डेबुक हेड मास्टर में डेबुक की जो आईडी है वो ऑटोमेटिक जनरेट होगी, ठीक है। देन आपने डेबुक हेड में वो नाम टाइप कर देना है जिस जो भी आप बनाना चाहते हैं, उस हेड का नेम दे देना है। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप इंटरनेट चार्जेस एक डेबुक हेड बना दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डेबुक हेड बना दिया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है। उसके अलावा टी, वाटर, डेबुक हेड मीन्स जो पार्टी मास्टर और एम्प्लॉय मास्टर से बिल्कुल अलग हो, यानी कि जिसपे आप कुछ रिसीव कर रहे हो या कुछ पेमेंट कर रहे हो उस हेड के अंदर, वो सब आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए आप ड्राइवर को कैश देते हैं तो ड्राइवर कैश हो गया, ठीक है, ये आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा जितने भी मिसलेनियस डेबुक हेड हैं जो भी आप बनाना चाहते हैं, वो सब आप यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से आप बैंक मास्टर क्रिएट करेंगे। तो बैंक मास्टर क्रिएट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा बैंक मास्टर के फॉर्म पे, ठीक है। यहाँ पर आपको बैंक आईडी ऑटोमेटिक जनरेटेड दिखेगी। अब यहाँ पर आपने बैंक का नाम डाल देना है जिस भी बैंक का आप अकाउंट डिटेल यहाँ पे सेव करने वाले हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे बैंक का नाम पंजाब नेशनल बैंक, देन जो भी अकाउंट नंबर है वो आपने अकाउंट नंबर यहाँ टाइप कर देना है। देन आपने उस बैंक का जो आईएफएससी कोड है वो एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद अगर बैंक का एड्रेस आप डालना चाहते हैं, सिटी डालना चाहते हैं और स्टेट डालना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपको डालना है तो आप ये डाल सकते हैं और स्टेटस उसका एक्टिव रख देंगे। अगर आप इस बैंक को डिफॉल्ट बनाना चाहते हैं तो आप डिफॉल्ट बैंक पे क्लिक कर देंगे। अगर इसके अलावा कोई और बैंक डिफॉल्ट है तो उस पर वो बना होगा, तो इस पर क्लिक नहीं करना है, आपने सिर्फ इसे सेव कर देना है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो बैंक मास्टर आपने एंट्री करी बैंक मास्टर में, तो वो यहाँ पे आपको दिख गई। अगर इसमें कुछ एडिट करना हो तो आपने सीधे इस पर क्लिक करना है बैंक की आईडी पे। जो भी एडिशनल अपडेट करने हैं इस एंट्री में तो आप वो कर पाएंगे, उसके बाद आप इसे सेव कर देंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप PCSNP ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में डेबुक हेड क्रिएट करेंगे और बैंक मास्टर क्रिएट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।